बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहला कलमा तैयब। चलो नले। भाईजान पढ़ लिख कर भी यही काम करने पड़ गए हैं, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का जो आखिरकार यही काम कर रहे हैं। इतनी महंगाई है और मुझे तो आप किसी कंपनी के चेयरमैन लगते हो कसम से। यार काम तो तुम भी नहीं हो, पढ़ लिख कर तुमने तो किसी अच्छी पोस्ट पर अफसर लगना था यार, अब ये अभी कसी चा लिए उठा लिए तुमने। हाँ भाईजान क्या जख्मों पे नमक चढ़ा रखे हो, मुझे भी मैं कभी कभी आना देखता हूँ ना खुद को इतना बड़ा अफसर पाता हूँ, लेकिन क्या करें आखिरकार यही चलाना है यही करना है। यार आजकल सिफारिश के बगैर नौकरी भी नहीं लगती, आपको पता है आदमी जितना भी लायक हो ना सिफारिश के बगैर नौकरी नहीं लगती। पता है मेरी तो... मैट्रिक में हाई फर्स्ट डिवीजन है अभी ये काम कर रहे हैं यार। ऐसी बात है, उस दिन मैं गया था इंटरव्यू देने, कहते सिफारिश करवाओ। मैंने बाहर बैठे पियून से कहा कि यार सिफारिश कर दो, उसने कहा यार बंदा अच्छा है, उसने कहा चबल इंसान, मैंने कहा कोई हाई लेवल की सिफारिश करवाओ, तुम इसको ले आयो क्या फायदा। फिर मैंने कहा मैं तो किसी को जानते ही नहीं। यही मसला है ना इन लोगों का ना, खुद सिफारिशी भर्ती होके आते हैं और दूसरों को भी अपनी जैसा समझते हैं, भाई ये भी हमारी तरह ना लायक है, ये भी सिफारिश करा के भर्ती हो जाएंगे। लगता है मेरा बेटा आ रहा है खाना लेके, आ जाओ बैठे यार जरा गर्मी है। हाँ थकान तो मुझे भी हो रही है, आज तो सारा जिस्म भी दर्द कर रहा है। बैठो, हमारा बेटा तो माशाल्लाह कमाल का है, जो कुछ ले आता है। मेरा बेटा तो कहता है अब्बा इधर घर आ क्यों गए। और मेरा बेटा माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, उसे पता है माँ बाप की खिदमत करना कैसे कैसे की जाती है। अच्छा माशाल्लाह बहुत प्यारा बेटा है आपका जी, ऐसी तमीज होनी चाहिए। और सुनाओ पढ़ा लिखा है, बीवी बच्चे सब ठीक हैं? सब ठीक है अल्लाह का शुक्र है। पूछी लगता है मेरे इंतजार में बैठे हैं, लगते थके हुए हैं बहुत, काम भी बहुत करते हैं, मैं कहीं लेट तो नहीं गया उनका खाना लेकर। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। वालेकुम बेटा, आ गए हो जी। माशाल्लाह बेटा जीते रहो जीते रहो माशाल्लाह। कैसे अंकल आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ ठीक हो? खाना लेकर आया हूँ। माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह। कैसे अंकल आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ पढ़ाई ठीक जा रही? अल्लाह का शुक्र है अंकल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह बेटा तुम्हें देख कर दिल खुश हो गया, दिल माशाल्लाह। अबू जी मैं आपकी लस्सी तो लाना भूल गया, मैं अभी जाता हूँ लस्सी लेकर आता हूँ। बेटा बैठो बैठो सस्ता लो, बहुत थक गया हो। नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं, बैठो बैठो शाबाश बैठो, बिल्कुल बाप कर बाप पर गए हो माशाल्लाह, वेरी गुड जबरदस्त, अच्छी तरबियत दी है तुमने माशाल्लाह। अच्छा बेटा जी अंकल मस्जिद जाते हो पढ़ने लिखने? जी अल्हम्दुलिल्लाह अंकल जाता हूँ रोज जाता हूँ। वेरी गुड बेटा, पहला कलमा तो सुनाओ तर्जमे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब। तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं। माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह, इस बात पर तुम्हारा इनाम बनता था, लेकिन अभी तो जेब खाली है काम करने है, लेकिन बाद में मुझे मिलना तुम्हें इनाम दूंगा। थैंक यू, शुक्रिया अंकल बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह, मेरे बेटे ने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा। अच्छा बेटा बिल्कुल माशाल्लाह बाप कर बाप पर गया हो, आपका बाप भी ऐसे ही पढ़ाई में बिल्कुल A1 हुआ करता था। अच्छा मुझे जो देखा है मैंने वो तो पता चल गया कि माशाल्लाह तुम पढ़े लिखे लायक बैठे हो जी। एक काम करो आप अपने पापा की कोई नकल उतार कर दिखाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बिल्कुल अपने बाबा पर गए हो। बाबा की नकल? बिल्कुल अंकल मैं बिल्कुल अपने बाबा पे गया हूँ, तुम बाबा का हर नकल कर सकता हूँ, आप बताए मुझे, मुझे बाबा की हर बात याद है। बस कोई नकल करके दिखाओ। करता हूँ अंकल अभी। बिल्कुल बिल्कुल करो शाबाश। देखना अंकल देखना ऐसे।
बेगम बेगम मुझे माफ कर दो, नहीं बेगम ऐसा नहीं करूंगा, ये क्या कर रहा है, ऐसा नहीं करूंगा बेगम। ये सिखा है मेरे तुम्हें, ये सिखा है, दबाओ जाओ दबाओ जाओ। चलो बेस्ती करवा दिए तुमने, दबाओ जाओ। नहीं पापा ऐसा नहीं है, मैं रुको ना जरा, मैं तो अंकल की बात मानी।